देखो दोस्तों स्क्रीन पे जो आप ये टीम देख रहे हो ना, ये टीम थी लास्ट ईयर जिस बंदे की ड्रीम इलेवन के ऊपर फर्स्ट रैंक आई थी ना, कोलकाता और बेंगलोर के मैच में, उस बंदे की टीम थी। हालांकि सारे प्लेयर नहीं खेलेंगे, लेकिन हम इस टीम का एनालाइज करेंगे कि उस बंदे ने क्या क्या रिस्क लिए थे। और देखो दोस्तों, रिस्क लोगे ना तभी फर्स्ट रैंक आ सकती है, क्योंकि देखो दोस्तों आपको बताऊं, अगर आप भेड़ चाल चलते हो, अगर आप सेम टीम बनाते हो ना सब लोगों जैसी, तो उस केस के अंदर फर्स्ट रैंक के अंदर आपको 100 बंदे भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 60-70 लाख टीमें लगती है हर मैच के अंदर, और एक नंबर पे सिर्फ एक ही टीम आती है। क्यों आती है? क्योंकि बंदे की टीम यूनिक होती है, और यूनिक क्यों होती है? क्योंकि बंदा होता है वो रिस्क लेता है। अब रिस्क लोगे तो फाइनेंशियल रिस्क भी आएगा, क्योंकि 90% चांस ये भी होते हैं ना कि रिस्क की टीम है ना वो टीम विनिंग जोन में भी ना आए। देखो दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खेलते हो, तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना तो याद से ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो, फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे मिलेगी। हालांकि टेलीग्राम पे टीम प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम कम होता है, खुद की टीम भी एडिट करनी होती है, लेकिन जो भी फाइनल अपडेट आएगी ना वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और देखो दोस्तों, फाइनल पिच रिपोर्ट, इंपैक्ट प्लेयर के बारे में सब कुछ टेलीग्राम पे मिलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यानी केकेआर वर्सेज आरसीबी के बीच होने वाले टाटा आईपीएल के 9वें मैच के बारे में, जो कि कोलकाता के ग्राउंड पे आज शाम को 7:30 पे खेला जाएगा, और खासकर इस मैच की ग्रैंड लीग के टीम कॉम्बिनेशन देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर जिस बंदे की फर्स्ट रैंक आई थी उसकी टीम कैसी थी। ऐसी टीम थी, और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लो, उस मैच में कोलकाता की टीम ने पहले बैटिंग की, 128 रन बनाए 10 विकेट पे, बेंगलोर 132 रन बना पाई 3 विकेट पे, प्लेयर ऑफ द मैच बने वीरेंद्र हसरंगा जिन्होंने 4 विकेट लिए। हालांकि इस मैच में हसरंगा अवेलेबल नहीं है, हसरंगा की जगह करण शर्मा है जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन करण शर्मा वैसे रिस्की प्लेयर है, सोच समझ के लेना अगर ले रहे हो टीम के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेंकटेश अय्यर ने 10 रन बनाए कोलकाता की तरफ से, नीतीश राणा ने 10, सुनील नारायण को 1 विकेट मिला, अंदर रसल ने 25, उमेश यादव को 2 विकेट मिले, वरुण चक्रवर्ती को 1 और टिम साउदी को 3 विकेट मिले। वहीं बेंगलोर की तरफ से फाफ डुप्लेसिस ने 5, विराट कोहली 12, दिनेश कार्तिक 14, डेविड विली 18, शहबाज अहमद 27, हसरंगा को 4 विकेट, हर्षल पटेल को 2 विकेट, आकाशदीप को 3 विकेट और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला था। और दोस्तों अगर आप टीम स्ट्रक्चर देखोगे ना तो टीम के अंदर थे 4 बॉलर, 3 ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। कैप्टन था हसरंगा, वाइस कैप्टन था टिम साउदी। हालांकि ये टीम परफेक्ट नहीं थी, वाइस कैप्टन बनाया जा सकता था आकाशदीप को जिसके ज्यादा पॉइंट थे, लेकिन आकाशदीप उस टाइम नया नया प्लेयर था तो कोई बंदे ध्यान नहीं दे रहे थे। अब देखो दोस्तों, अगर हम ये ओल्ड फॉर्मेट से जाएं तो ये कॉम्बिनेशन बना था, अगर हम न्यू फॉर्मेट से जाएं ना इसी टीम के अंदर, तो यहाँ पे नीतीश राणा का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता था वरुण चक्रवर्ती के साथ, क्योंकि उन्होंने 1 विकेट भी लिया था और 10 रन भी बनाए थे। तो नए फॉर्मेट के हिसाब से 5 बॉलर, 3 ऑलराउंडर, 2 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर देखने को मिल सकता था। कोलकाता की तरफ से लास्ट ईयर विकेट कीपर था शेल्डन जैक्सन, इस साल है रहमानुल्लाह गुरबाज। उसके बाद देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो रेदरफोर्ड नहीं खेलेंगे, इनकी जगह माइकल ब्रेसवेल के हाई चांस लग रहे हैं खेलने वाले हैं, क्योंकि रेदरफोर्ड है ही नहीं शायद इनके स्क्वाड के अंदर। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो बाकी तो सारे प्लेयर खेलेंगे ही खेलेंगे। देखो दोस्तों, ये टीम देखने को मिली थी। अब आप इस टीम को एग्जैक्ट कॉपी करो या ना करो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप इस टीम से आइडिया तो ले सकते हो ना कि 5 बॉलर आए, 3 ऑलराउंडर आए, 2 बैट्समैन आए और 1 विकेट कीपर आया ड्रीम टीम के अंदर। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ो, टीम देखें, उससे पहले हम देख लेते हैं क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 रह सकती है कोलकाता और बेंगलोर की। देखो दोस्तों, यहाँ पे कोलकाता की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज, मनदीप सिंह लास्ट मैच में ओपनिंग करने आए थे, 3 नंबर पे अनुकूल रॉय आए थे, लेकिन इस मैच में नीतीश राणा भी आ सकते हैं। मिडल ऑर्डर की बात करें तो वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंदर रसल और शार्दुल ठाकुर, और बॉलिंग की बात करें तो सुनील नारायण, उमेश यादव, टिम साउदी और वरुण चक्रवर्ती 4 बॉलर ये हो गए, और इन्होंने 5वां बॉलर यूज किया था शार्दुल ठाकुर, और इनकी टीम ने 6ठा बॉलिंग ऑप्शन यूज ही नहीं किया था जो कि इनके पास आंदर रसल था, इसको बॉलिंग नहीं दी थी, इस मैच के अंदर बॉलिंग दे सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ज्यादातर लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, रहमानुल्लाह गुरबाज को सेलेक्ट करेंगे, करना भी चाहिए क्योंकि ओपनिंग करने आएगा। उसके बाद लास्ट मैच में वेंकटेश अय्यर ने रन बनाए थे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी करना चाहिए, अच्छा बैट्समैन है, लेकिन डिफरेंशियल के तौर पर जाओ तो नीतीश राणा एक डिफरेंशियल रिप्लेसमेंट हो सकता है वेंकटेश अय्यर की। उसके बाद देखो दोस्तों, आंदर रसल को लोग सेलेक्ट करेंगे, करना चाहिए क्योंकि 99% चांस है कि ड्रीम टीम में तो आता ही है प्लेयर। उसके बाद देखो दोस्तों, सुनील नारायण को सेलेक्ट करेंगे, टिम साउदी को सेलेक्ट करेंगे और उमेश यादव को भी सेलेक्ट करेंगे।
इन छह प्लेयरों के ऊपर ज्यादातर लोग फोकस करेंगे। ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल नंबर वन प्लेयर निकल के आ सकता है शार्दुल ठाकुर, जिसका सिलेक्शन कम देखने को मिलेगा। और कोलकाता का जो ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड के ऊपर जो बंदा पेस के अंदर वेरिएशन करता है उसको विकेट मिल सकते हैं, और ठाकुर एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। दूसरा ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल ऑप्शन रह सकता है रिंकू सिंह, लास्ट मैच के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन दोस्तों ये प्लेयर हर मैच में एक दो कैच पकड़ लेता है और 20-25 रन भी बना सकता है। और तीसरा और सबसे बड़ा ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल ऑप्शन रह सकता है वरुण चक्रवर्ती। देखो दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर है, और इस टूर्नामेंट के अंदर अगर आप राहुल चार को छोड़ दो ना, तो बाकी हर एक राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर ने विकेट निकाले। और वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड बेंगलुरु के खिलाफ भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। और चौथा डिफरेंशियल ऑप्शन है मनदीप सिंह। देखो दोस्तों, ओपनिंग करने आया था लास्ट मैच में, फ्लॉप हो गया था, तो यहां पे ये चार डिफरेंशियल ऑप्शन है, बाकी मैंने आपको छह सेफ ऑप्शन बता दिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे सेफ ऑप्शन होते हैं स्मॉल लीग के लिए, डिफरेंशियल ऑप्शन होते हैं ग्रैंड लीग के लिए। देखो अगर आप टीम बना रहे हो ना, तो आप हो सकता है चार तो सेफ प्लेयर चूज कर लो, दो रिस्क वाले प्लेयर ले लो अपनी टीम के अंदर, तो ऐसे आप लॉजिक लगा सकते हो। अब दोस्तों, बैंगलोर की तरफ से अगर हम देखें ना, तो बैंगलोर की तरफ से लास्ट मैच में ओपनिंग करने आए थे फाफ डुप्लेसिस विराट कोहली, उसके बाद तीन नंबर पे इन्होंने भेज दिया था दिनेश कार्तिक को, लेकिन कार्तिक इस मैच में तीन नंबर की बैटिंग शायद नहीं करेंगे। इस मैच में हाई चांस लग रहे हैं महिपाल लोमरोड कर सकते हैं, या फिर सुयश प्रभुदेसाई कर सकते हैं, या फिर अनुज रावत भी तीन नंबर पे बैटिंग करने आ सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये तीन प्लेयर है पोटेंशियली जो आ सकते हैं, टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी। अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो मैक्सवेल ब्रेसवेल, दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद, और बॉलिंग की बात करें तो हर्षल पटेल, डेविड विली, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और करण शर्मा, ये पांच बॉलिंग ऑप्शन इनके पास देखने को मिले थे। छठा बॉलिंग ऑप्शन इनके पास था ब्रेसवेल, जिनसे उनको ओवर करवाए थे, और सातवां था मैक्सवेल। इस मैच में ब्रेसवेल थोड़ी ज्यादा बॉलिंग कर सकते हैं, ऑफ ब्रेक बॉलर है और सामने वाली टीम के अंदर काफी लेफ्टी है, तो ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। अब सेफ ऑप्शन की बात करें, देखो दोस्तों, यहां पे फाफ और विराट दोनों सेफ आपके लिए स्मॉल लीग के अंदर और ग्रैंड लीग की मैक्सिमम टीमों के अंदर, लेकिन विराट का रिकॉर्ड केकेआर के खिलाफ थोड़ा सा खराब रिकॉर्ड रहता है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप इनमें से किसी पे रिस्क लो ना, उस केस के अंदर जो तीन नंबर का इंपैक्ट प्लेयर होगा ना इनका, महिपाल लोमरोड हो सकता है, सुयश प्रभुदेसाई हो सकता है, या फिर अनुज रावत हो सकता है, वो प्लेयर ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल निकल के आ सकता है। उसके बाद देखो दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर क्या हुआ था ना, लास्ट मैच के अंदर हर्षल पटेल ड्रीम टीम में आ गए थे, मोहम्मद सिराज ड्रीम टीम में आ गए थे, उसके बाद करण शर्मा भी ड्रीम टीम में आ गए थे। हालांकि देखो दोस्तों, आकाशदीप के ऊपर सिलेक्शन थोड़ा कम रहेगा, तो ये प्लेयर ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल निकल के आ सकता है। डेविड विली खेलेगा या नहीं खेलेगा ये चीज श्योर है नहीं, तो ये चीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। वहीं दोस्तों, यहाँ पे मैक्सवेल भी लास्ट मैच में ड्रीम टीम में नहीं आ पाए थे, तो इस प्लेयर का भी सिलेक्शन थोड़ा कम रहेगा, तो ये चीज आप देख सकते हो। अब दोस्तों, हम वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हो, टीम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बैलेंस टीम बनाते हैं, बेस्ट टीम, जिसके अंदर विकेट कीपर में लिया है रेमनुल्ला गुरबाज को, बैटिंग में लिया विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस और वेंकटेश अय्यर को, ऑलराउंडर में लिया अंदर रसल, सुनील नारायण और माइकल ब्रेसवेल को, और बॉलिंग में लिया हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, टिम साउदी और शार्दुल ठाकुर को। एक बिल्कुल बेस्ट टीम बनाई है, जिसके अंदर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, अंद्रे रसल तीनों सेफ ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के, ज्यादातर लोग इनके साथ ही जाने वाले। यहाँ पे दोस्तों, अगर बैंगलोर की टीम पहले बैटिंग करती है ना, तो मैंने एक चेंज कर दिया, वेंकटेश अय्यर की जगह डायरेक्ट मैक्सवेल को ले लिया, क्योंकि पहले बैटिंग करेगी तो इसकी बैटिंग आने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। बाकी मैंने सेम टीम रखी है, ये बैंगलोर की टीम जब सेकंड इनिंग बैटिंग करे उस केस के अंदर बनाई है। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग की बिल्कुल सेफ टीम बनाई है मैंने, दो टीमें बनाई है बिल्कुल सेफ, जो कि आप स्मॉल लीग के अंदर भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों, हम ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन देखें, उससे पहले इनके थोड़ा सा हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। देखो दोस्तों, 2022 के आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच जो मैच हुआ था ना, उसके अंदर रन बने केकेआर की टीम ने बनाए 128 रन 10 विकेट के ऊपर, और उसके बाद बैंगलोर 132 रन बना के 3 विकेट से मैच जीत गई। उससे पहले दोस्तों, 2021 के अंदर एक मैच के अंदर बैंगलोर ने बनाए 92 रन 10 विकेट पे, केकेआर 94 रन बना के 9 विकेट से मैच जीत गई। उससे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें 2020 के आईपीएल में एक मैच में केकेआर ने बनाए 84 रन 8 विकेट पे, बैंगलोर 85 रन बना के 2 विकेट से मैच जीत गई। और उससे पहले 2017 के आईपीएल के अंदर, जो कि ईडन गार्डन के ग्राउंड के ऊपर खेला गया था, उसमें केकेआर की टीम ने बनाए 131 रन 10 विकेट पे, बैंगलोर की टीम 49 रन बना पाई थी और 82 रनों से मैच जीत गई थी केकेआर की टीम। बैंगलोर का लोवेस्ट स्कोर है कोलकाता के खिलाफ 49 रन, आप देख सकते हो। अगर आप लास्ट के 6 हेड टू हेड मैच का रिकॉर्ड देखोगे ना, तो 4 मैच लो स्कोरिंग थे, 2 मैच हाई स्कोरिंग थे, जिसमें एक में आरसीबी ने 204 रन बनाए और केकेआर ने 168 रन बनाए, बैंगलोर 38 रन से मैच जीत गई। और एक मैच के अंदर आरसीबी ने 194 रन बनाए, बैंगलोर 112 रन बना पाई 9 विकेट पे, और बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, बहुत से बंदे अप्लाई भी करते हैं। अगर दोस्तों, यहां पे काफी बार क्या होता है कि जो पहले बैटिंग करती है ना, वो टीम कोलैप्स हो जाती है और सेकंड इनिंग बैटिंग करने वाली टीम इजीली जीत जाती है। ऐसे में दोस्तों, मैंने एक टीम बनाई है, सबसे पहले कोलकाता के
फेवर में टीम बनाई है कि केकेआर की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करे और केकेआर की टीम इजीली जीत जाए। तो देखो दोस्तों, इस टीम के अंदर मैंने विकेट कीपर में लिया दिनेश कार्तिक और रहमानुल्लाह गुरबाज को, बैटिंग में लिया फाफ डुप्लेसिस और मनदीप सिंह को, ऑलराउंडर में लिया ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण और माइकल ब्रेसवेल को, और बॉलिंग मैंने टीम साउदी शार्दुल ठाकुर वरुण चक्रवर्ती को ले लिया। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे आंद्रे रसेल की जगह उमेश यादव को भी ले सकते हो, क्योंकि देखो दोस्तों आंद्रे रसेल इस मैच के अंदर बॉलिंग कर सकता है और थोड़ा सेफ ऑप्शन है, इसलिए मैं आंद्रे रसेल के साथ गया हूँ। मैंने यहाँ पे कैप्टन बनाया टीम सऊदी को, वाइस कैप्टन बनाया रहमानुल्लाह गुरबाज को, मान के चल रहा हूँ कोलकाता की टीम पहले बॉलिंग करेगी, टीम सऊदी अच्छे विकेट निकालेंगे, कोलकाता यहाँ पे बेंगलोर को जल्दी आउट कर देगी और रहमानुल्लाह गुरबाज और मनदीप सिंह दोनों ही स्कोर चेज कर देंगे और कोलकाता की टीम 10 विकेट से मैच जीत जाएगी। बेंगलोर की तरफ से दिनेश कार्तिक, फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल और माइकल ब्रेसवेल थोड़े बहुत रन बनाएंगे और बेंगलोर की टीम 100-120 के आसपास ऑल आउट हो जाएगी। अब दोस्तों, ये टीम तभी वैलिड होगी जब कोलकाता की टीम पहले बॉलिंग करे, अगर कोलकाता की टीम पहले बैटिंग करिए फिर आप इस टीम को लेने का कोई फायदा नहीं बन रहा। वहीं दोस्तों, दूसरी टीम बनाई है कि अगर बेंगलोर की टीम पहले बॉलिंग करे तो मैंने विकेट कीपर में लिया दिनेश कार्तिक और रहमानुल्लाह गुरबाज को, बैटिंग में लिया विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह को, ऑलराउंडर में लिया आंद्रे रसेल और माइकल ब्रेसवेल को, और बॉलिंग में लिया हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और करण शर्मा को। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे करण शर्मा पर रिस्क लिया, अगर आप चाहो तो आप आकाशदीप सिंह और डेविड विली को भी ले सकते हो ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर। अब दोस्तों, कैप्टनसी दी हर्षल पटेल को, वाइस कैप्टनसी विराट कोहली को, सेम लॉजिक लगाया, बेंगलोर की टीम पहले बॉलिंग करे, बेंगलोर के बॉलर अच्छा परफॉर्म करे और यहाँ पे हर्षल पटेल अच्छी विकेट निकाले, मोहम्मद सिराज विकेट निकाले, ब्रेसवेल विकेट निकाले और करण शर्मा या आप आकाशदीप या आप डेविड विली जो भी लो वो विकेट निकाले और यहाँ पे सेकंड इनिंग के अंदर बेंगलोर की टीम 9 या 10 विकेटों से जीत जाए। अगर बेंगलोर का अगर 9 विकेटों जीतेगी ना तो दिनेश कार्तिक जल्दी बैटिंग भी करने आ सकते हैं और विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज को लिया, आप गुरबाज की जगह पे सुनील नारायण को भी ले सकते हो, वेंकटेश अय्यर की जगह यहाँ पे आप नितेश राणा को भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा अगर आप इस टाइप का लॉजिक लगा रहे हो। अब देखो दोस्तों, इस टाइप का लॉजिक चलता है 1% मैच के अंदर, क्योंकि हर मैच ऐसा नहीं होता लेकिन 1% मैच के अंदर ये लॉजिक चल सकता है, तो एक आधी टीम तो आप इस लॉजिक से बना सकते हो और आप रिस्क लेने के मूड में हो। अब दोस्तों, मैंने अगली जो टीम बनाई है वो मैंने बनाई है नारायण और सऊदी का शो हो जाए, सिर्फ नारायण और सऊदी ही कोलकाता की तरफ से विकेट निकाले, यानी बेंगलोर की टीम पहले बैटिंग करे, विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस पावर प्ले के अंदर अच्छे रन स्कोर करे, उसके बाद सुनील नारायण बॉलिंग करने आए वो विकेट निकाल ले, उसके बाद डेथ के अंदर टीम सऊदी विकेट निकाल ले और एक बैट्समैन ले लिया ग्लेन मैक्सवेल और माइकल ब्रेसवेल, ये भी कुछ रन बना दे और बेंगलोर की टीम 160 या 170 रन बना दे मैच के अंदर पहले बैटिंग करते हुए, और बेंगलोर की विकेट कितने गिरे, 7 से 8 विकेट गिरे, जिनमें से 3-4 विकेट सुनील नारायण ले जाए और 2-3 विकेट टीम सऊदी लेके चले जाए। सिंपल लॉजिक है, जब सेकंड इनिंग के अंदर बेंगलोर की टीम बॉलिंग करने आए ना तो बेंगलोर की तरफ से हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, करण शर्मा, माइकल ब्रेसवेल विकेट निकाले और ये मैच बेंगलोर कुछ रनों से जीत जाए। तो मैंने सामने वाली टीम कोलकाता की सिर्फ 4 ही बैट्समैन लिए, रहमानुल्लाह गुरबाज, नितेश राणा, सुनील नारायण और टीम सऊदी। टीम सऊदी को मैंने एज ए बॉलर लिया है, इन तीनों को मैंने एज ए ऑलराउंडर और बैट्समैन के तौर पे लिया है और बेंगलोर मैच जीत जाए। यहाँ पे आप करण शर्मा की जगह हो सकता है आकाशदीप को मौका दे दो, डेविड विली को भी मौका दे सकते हो, कैप्टन बनाया नारायण को, वाइस कैप्टन बनाया सऊदी को। अब बहुत से बंदे कहेंगे कि भाई अगर बेंगलोर की टीम 170 रन बना रही तो आपने यहाँ पे नारायण को कैप्टन क्यों बना दिया और टीम सऊदी को वाइस कैप्टन क्यों बना दिया, इसी लॉजिक से कि यही दो बंदे विकेट निकाले, अगर कोई तीसरा बंदा विकेट निकाल के ले गया ना इस मैच के अंदर कोलकाता की तरफ से, फिर ये टीम विनिंग जोन से बाहर है, कंप्लीट रिस्क है। उसके बाद दोस्तों, मैंने एक और टीम बनाई है जिसके अंदर मैंने ये माना है कि मैक्सवेल और ब्रेसवेल दो ही प्लेयर बेंगलोर की तरफ से धुएं उठा दे। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर मैक्सवेल और ब्रेसवेल दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे, यानी मैं दोनों से अगर 60 या 70 रन की उम्मीद कर रहा हूं इस मैच के अंदर, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए टॉप ऑर्डर कोलैप्स होना चाहिए बेंगलोर का। अब टॉप ऑर्डर में आते हैं विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस, इनको आउट करने के लिए हमें पावर प्ले के बॉलर लेने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे उमेश यादव को ले लिया जो कि मोस्ट प्रोबेबली पहला ओवर लेके आएंगे, मैंने यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को ले लिया, हालांकि अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप टीम सऊदी को भी ले सकते हो। इन दोनों को ले लिया, मैं मान के चल रहा हूँ कि टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया। उसके बाद मैक्सवेल और ब्रेसवेल दोनों ने अच्छे रन बनाए, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो उसके बाद थोड़ी बहुत रन दिनेश कार्तिक ने बना दिए और यहाँ पे मैच खत्म हो गया। जब सेकंड इनिंग के अंदर बेंगलोर की टीम बॉलिंग करने आए तो हर्षल पटेल और करण शर्मा और ब्रेसवेल तीनों विकेट निकाले, तो यहाँ पे एक लॉजिक बना दिया। और कोलकाता की तरफ से रिंकू सिंह और मनदीप सिंह अच्छा परफॉर्म करे और आंद्रे रसेल थोड़े बहुत रन बना दिए और नारायण एक आधे विकेट ले ले पहली इनिंग के अंदर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कैप्टनसी मैंने मैक्सवेल को दी है, वाइस कैप्टनसी ब्रेसवेल को दी है, यहाँ पे आप रिवर्स भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कैप्टनसी दे सकते हो किसको, माइकल ब्रेसवेल को, क्योंकि ये बॉलिंग भी करेगा, वाइस कैप्टन आप मैक्सवेल को बना सकते हो, ये भी एक रिस्की कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया वीडियो के अंदर कि मैं इसके अंदर रिस्की बनाऊंगा, सेफ जाना हो ना, ये दो कॉम्बिनेशन है मैंने आपको अभी दिखाए थे, बिल्कुल सेफ कॉम्बिनेशन, विनिंग जोन में टीम आने के हाई चांसेस रहते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ।
अब देखो दोस्तों, अगला जो कॉम्बिनेशन है वो ये कि केकेआर की टीम पहले बैटिंग करे और केकेआर डिफेंड कर ले। देखो दोस्तों, मैंने यहां विकेट कीपर में लिया गुरबाज को, बैटिंग में विराट कोहली, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, ऑलराउंडर में आंद्रे रसल और माइकल ब्रेसवेल, बॉलिंग में लिया हर्षल पटेल, टीम साउदी, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती और करण शर्मा को। देखो दोस्तों, सिंपल लॉजिक बता देता हूं आपको कि केकेआर की टीम पहले बैटिंग करे तो मैंने केकेआर के चार बैट्समैन ले लिए यहां पे। उसके बाद जब केकेआर की टीम पहले बैटिंग करेगी तो यहां पे बेंगलोर की टीम विकेट तो निकालेगी ना, तो मैंने हर्षल पटेल को ले लिया और करण शर्मा को ले लिया। लेकिन आप चाहो तो आप करण शर्मा की जगह, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप यहां पे आकाशदीप को ले सकते हो, लेकिन मेरे को राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर वाला लॉजिक थोड़ा सा पसंद आ रखा है, इसलिए मैं करण शर्मा के साथ जाऊंगा कुछ टीमों के अंदर। तो उसके बाद देखो दोस्तों, बेंगलोर की टीम सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग करने आएगी ना, तो यहां पे कोलकाता की तरफ से टीम साउदी, शार्दुल ठाकुर और वरुण चक्रवर्ती विकेट निकालेंगे और विराट कोहली और माइकल ब्रेसवेल दो ही प्लेयर बेंगलोर की तरफ से रन बना पाए और ये मैच कोलकाता डिफेंड कर ले, इजिली जीत जाए। कैप्टनसी की बात करें, देखो दोस्तों, कैप्टनसी का वैसे तो ऑप्शन आंद्रे रसल एक अच्छा ऑप्शन है और यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती भी एक अच्छा ऑप्शन दे सकता है अगर आप ग्रैंड लीग के अंदर रिस्क लो। अगर आपको सेफ जाना हो तो आप यहाँ पे विराट कोहली को दे सकते हो और यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप आंद्रे रसल को दे सकते हो। सेफ के अंदर रिस्क लो तो वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसल यहाँ के साथ जा सकते हो, या फिर यहाँ पे हर्षल पटेल को भी कैप्टनसी दे सकते हो, क्योंकि हो सकता है पहली इनिंग में हर्षल पटेल अकेला ही तीन चार विकेट निकाल के ले जाए, ये देखने वाली बात रहेगी। अब दोस्तों, अगले कॉम्बिनेशन की बात करें तो वही कॉम्बिनेशन है, केकेआर डिफेंड करे। इसके अंदर मैंने क्या किया, केकेआर के तीनों बैट्समैन ले लिए, एक दिनेश कार्तिक ले लिया विकेट कीपर बेंगलोर का, उसके बाद ऑलराउंडर में मैक्सवेल लिया, सुनील नारायण लिया और ब्रेसवेल लिया, और बॉलिंग में लिया हर्षल पटेल, टीम साउदी, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती। मैंने प्रॉपर टीम बना दी केकेआर के फेवर में। ऐसे आप आरसीबी की फेवर में बना सकते हो, जैसे आरसीबी के आप तीनों बैट्समैन ले सकते हो यहाँ पे, फाफ डुप्लेसिस, विराट कोहली और यहाँ पे एक तीसरा बैट्समैन महिपाल लोमरोड या फिर सुयेश प्रभुदेसाई, अगर आप आरसीबी की फेवर में टीम बनाना चाहो तो ऐसे भी आप आरसीबी की फेवर में बना सकते हो। फिर उसके बाद आप आरसीबी के तीन बॉलर ले सकते हो, एक बॉलर हर्षल पटेल की जगह आप टीम साउदी को रिप्लेस कर सकते हो, यानी इसका उल्टा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। अभी के लिए मैंने आपको समझाने के लिए केकेआर की फेवर में बनाया। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मैंने कैप्टनसी दे दी ब्रेसवेल को, क्योंकि अगर यहाँ पे केकेआर की टीम डिफेंड करेगी ना तो विकेट तो गिरेंगे, पहले बैटिंग करेगी, तो अगर केकेआर की टीम पहले बैटिंग करेगी तो ब्रेसवेल विकेट निकाल के लेके जा सकते हैं और ब्रेसवेल बैटिंग भी कर सकते हैं। दोनों लॉजिक से प्लेयर इंपोर्टेंट निकल के आ रहा है। उसके बाद वाइस कैप्टनसी की बात करें ना, तो वाइस कैप्टनसी आप यहाँ पे दे सकते हो टीम साउदी को या उमेश यादव को या वरुण चक्रवर्ती। देखो दोस्तों, सारे बंदे फाफ डुप्लेसिस, विराट कोहली और आंद्रे रसल, तीन बंदों के ऊपर कैप्टनसी में फोकस करेंगे। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो आप भी इन्हीं तीनों के ऊपर फोकस करो, लेकिन ग्रैंड लीग के अंदर आप रिस्क ले रहे हो ना, मैंने आपको ज्यादा नहीं चार ही कॉम्बिनेशन बताए रिस्क की, और मैं ज्यादा बताऊंगा भी नहीं क्योंकि भेड़ चाल चलने से कोई फायदा नहीं है, तो मैंने आपको चार ही कॉम्बिनेशन बताए। अगर आप चार कॉम्बिनेशन में रिस्क लेते हो ना तो आप ऐसा रिस्क ले सकते हो, अगर आपका रिस्क सक्सेसफुल हुआ तो आप अच्छी टीम भी बना सकते हो और विनिंग जोन से अच्छी और अच्छी रैंक भी ला सकते हो। देखो दोस्तों, मैंने लॉजिक बताया, हो सकता है लॉजिक चले या ना चले, लेकिन आप अपने खुद के लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग के अंदर टॉस होने के बाद जब आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करिए, कौन सी टीम पहले बॉलिंग करिए, उसके बाद आपको अपने दिमाग के अंदर मैच के रिगार्डिंग एक स्टोरी क्रिएट करनी है। स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है, अब आपको पता है, मैं आपको एक चीज और समझा ही देता हूं। तो अब आपको पता है कि बेंगलोर की टीम मान लेते हैं पहले बैटिंग कर रही है, तो बेंगलोर की तरफ से आपको सबको पता है कि फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ओपनिंग करने आई। अब फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली के सामने कोलकाता की तरफ से उमेश यादव और टीम साउदी दोनों पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे। अब या तो पावर प्ले के अंदर विकेट गिरेगा और या पावर प्ले के अंदर विकेट नहीं गिरेगा। अब दोस्तों, अगर आप ये मान के चल रहे हो ना कि विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस दोनों अच्छे रन स्कोर करेंगे, कि दोनों आउट नहीं होंगे, तो उस केस के अंदर उमेश यादव के फ्लॉप होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, कि उमेश यादव डेथ के अंदर कम बॉलिंग करने आता है। डेथ बोले तो लास्ट ओवर होते हैं ना, उनके अंदर बहुत कम बॉलिंग करने आता है और बहुत कम चांस होता है उसको डेथ के अंदर विकेट मिलने का, तो उस केस के अंदर उमेश यादव के फ्लॉप होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो एक लॉजिक सिंपल लग गया ना, कि अगर आप विराट कोहली फाफ डुप्लेसिस दोनों को ले रहे हो ना, तो उस केस के अंदर उमेश यादव पर रिस्क लिया जा सकता है और उमेश यादव के साथ साथ आप टीम साउदी के साथ जा सकते हो, क्योंकि टीम साउदी डेथ में ही बॉलिंग करने आता है, ये प्लेयर डेथ में विकेट निकाल सकता है। अब दूसरी चीज, अगर आप अपनी टीम में उमेश यादव को लेके चल रहे हो ना, तो उस केस के अंदर सिंपल लॉजिक है कि फाफ और विराट में से कोई एक बंदा फ्लॉप होगा और हो सकता है दोनों भी फ्लॉप हो जाए। तो आपको मैंने आपको बताया कि आपको सब कुछ पता होता है कि क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 आपके सामने आ जाती है, कौन से प्लेयर पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे, वो चीज भी आपको पता होती है। तो ऐसे में आप अपनी एक गेम की स्टोरी बनाओ कि गेम कैसे जाएगा, उस बेसिस पे आप टीम बनाओ, अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको, बकायदा मिलेगी। मैंने आपको लॉजिक बताए हैं, ना मैं भगवान हूं ना कोई भगवान है जो आपको परफेक्ट टीम दे सकता, कोई बंदा परफेक्ट टीम नहीं दे सकता। अगर कोई बंदा कहता है ना कि ये वो ग्रैंड लीग के अंदर मैं जितवा दूंगा, नहीं जितवा सकता भाई, क्योंकि अगर वो इतना ही दम होता तो खुद नहीं जीत लेता। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद है वीडियो बनाना, मेरे को लॉजिक लगाना अच्छा लगता है। अब मैं इतने साल से खेल रहा हूँ ड्रीम इलेवन के ऊपर, तो लॉजिक लगाना अच्छा लगता है, तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ।
आप ये चीजें समझ सकते हो। मैंने आपको एक लॉजिक बताया विराट कोहली फाफ डुप्लेसिस वाला, ऐसे दोस्तों आप अलग अलग लॉजिक भी लगा सकते हो और वैसे ही आप अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो देखो दोस्तों ये मैंने आपको सारी टीमें बता दी है, ज्यादा नहीं बताई, सिर्फ चार ही टीमें रिस्की बताई है, मैं सेफ टीम में आप बताऊंगा भी नहीं क्योंकि सेफ टीम आप बना लोगे। आपको पता है विराट कोहली, अंडरसल, फाफ डुप्लेसिस सब इंपॉर्टेंट है, तो आप सेफ टीम बना लोगे, सेफ टीम का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो मैंने आपको ग्रैंड लीग की चार रिस्की टीम बता दी अलग अलग लॉजिक से, अगर एक लॉजिक भी चला तो अपनी रैंक अच्छी आएगी, एक लॉजिक भी ना चला हो सकता है अपनी दो तीन टीमें विनिंग जोन से भी बाहर हो जाए, तो ये रिस्क इन्वॉल्व है। कॉपी करो या फॉलो करो उससे पहले ये चीज देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से बेंगलोर और कोलकाता के बीच होने वाले टाटा आईपीएल के मैच नंबर 9 की ड्रीम 11 टीम प्रिडिक्शन, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11, ड्रीम 11 टीम प्रिडिक्शन। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।